हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 से अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर चल रहा है हमारा डिफरेंशिएशन और हम आपको एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज सॉल्व करके दिखा रहे हैं। 5.2 एक्सरसाइज ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है, आज स्टार्ट है एक्सरसाइज 5.3 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। अब जैसे कि मैंने आपको सिखाया था कि जब भी आप डेरिवेटिव का क्वेश्चन करोगे तो इक्वल में वाई लेट लोगे, लेकिन देखो इस क्वेश्चन में वाई लेट लेने का जरूरत ही नहीं है। वो किस लिए? क्योंकि देखो यहाँ पर इक्वल टू लगा हुआ है। अब इक्वल टू लगा है मतलब एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड आपके पास है। ऐसे फंक्शंस को जिसमें आपको क्वेश्चन में ही एलएचएस और आरएचएस गिवन होता है, ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। ध्यान रखिएगा, और ऐसे क्वेश्चनों में आपको कभी भी वाई लेट लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी दो साइड है। एलएचएस में भी डेरिवेटिव करेंगे, आरएचएस में भी डेरिवेटिव करेंगे, और फाइनल आंसर में देखो क्या निकाल के लाना है, डी वाई डी एक्स, मतलब डेरिवेटिव को वाई करना है किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो चलिए क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन मैंने लिख दिया है 2x + 3y = sin x। बस क्या करिए, इस टर्म को लीजिए 2x को, 2 एक कांस्टेंट है, किसी के साथ आया है, किसके साथ आया, x के साथ। मैंने एक चीज ये भी बोला था कि x और y के साथ अगर कोई चीज आएगी तो वो कांस्टेंट कहलाएगी और बाहर कर दी जाएगी, और x हो या y हो, किसी के साथ भी आई हो, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो देखो x के साथ आया है तो 2 तो हो गया बाहर, और x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1। फॉर्मूला कौन सा देखो, इधर आ रहा है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ऐसे लिखा हुआ है ना, तो ठीक है, तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है, प्लस 3 वाई। अब देखो टर्म तो फिर वाई है, और वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, देखो जरा एक बार ध्यान से। जब हम क्वेश्चन लिखते हैं वाई इज इक्वल टू मान लो साइन एक्स लिखा है, तो वाई का डेरिवेटिव क्या लिखते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स ही होता है। तो क्या लिख दिया मैंने, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट फॉर्मूला है कॉस एक्स, वैसे फॉर्मूला आ रहा है, देख लो इधर। फाइनल आंसर क्या चाहिए वो देखो, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, वो ही दिख रहा है मुझे, बस इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कितना बचा देखो, 1 × x⁻⁰, एनीथिंग रेस पावर 0 1, तो ये तो सारा 1 हो गया, देखने का जरूरत नहीं। तो 2 + 3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, चलिए 2 को उधर लेके जाइए, तो 3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2। अब 3 मल्टीप्लाई में तो जाकर कैसा हो जाएगा, डिवाइड में, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2 अपॉन 3। ये रहा आपका फाइनल आंसर इम्प्लिसिट फंक्शन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इम्प्लिसिट फंक्शन है क्योंकि एलएचएस आरएचएस क्वेश्चन में है, वाई लेट नहीं लेंगे, शुरू में मैंने बताया आपको भी। अब 2x, तो 2 तो बाहर और x का डेरिवेटिव 1, किस चीज को हम कांस्टेंट मानते हैं, ये ध्यान रखिएगा, वाई और x इन दोनों को छोड़ दो तो हर चीज कांस्टेंट है। कांस्टेंट अकेला लिखा है डेरिवेटिव 0, और वो कांस्टेंट अगर x और y के साथ आया है तो उसे बाहर कर दो, और x या y जो भी आया है उसको डेरिवेटिव कर दो। ठीक है, तो 2 बाहर हो गया, x का डेरिवेटिव 1, फॉर्मूला भी हमने किया ही था, x की पावर n का डेरिवेटिव होता है n x की पावर n माइनस 1, फॉर्मूला साइड में आ रहा है, प्लस 3। अब y का डेरिवेटिव अभी क्या बताया था लास्ट वाले क्वेश्चन में, y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy / dx इज इक्वल टू sin y। sin y का तो हमने फॉर्मूला ही नहीं सीखा, क्यों, हमने फॉर्मूला किसका सीखा है, हमने फॉर्मूला सीखा है साइन एक्स का, ध्यान रखना हमेशा। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, लेकिन लिखा तो वाई है ना, लिखना क्या पड़ेगा, लिखना तो कॉस वाई पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम है जो क्वेश्चन है जो फॉर्मूला है वो साइन एक्स का है ना कि साइन वाई का, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव तो कॉस एक्स होता है, तो साइन वाई का डेरिवेटिव तो कॉस वाई हो गया, लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से एक्स लिखा होना चाहिए था, लिखा है वाई, मतलब गलत लिखा है, तो फिर से आगे डेरिवेटिव करेंगे, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम चेन रूल। ये हमने 5.2 एक्सरसाइज में अच्छे से करना सीखा था। फॉर्मूला हमेशा साइन एक्स ही होगा, चेक कर लो साइन गलत है या एक्स गलत है, साइन ठीक लिखा है, एक्स गलत लिखा है, क्योंकि एक्स से लिखा तो वाई लिखा है, तो भाई जो चीज गलत लिखी है उसका फिर से डेरिवेटिव कर देते हैं। 2 + 3 dy / dx इज इक्वल टू कॉस वाई, डेरिवेटिव ऑफ वाई, मतलब वाई का डेरिवेटिव अभी तो सीखा था लास्ट क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में भी यहां पर देखो y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। अब दो दो तीन तीन डी वाई डी एक्स नहीं हो सकते, सिंगल करो, उसको कैसे करो, कल इसको इधर ले जाओ, इज इक्वल टू कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस का 3 dy / dx। अब क्या डी वाई डी एक्स यहां से कॉमन आ सकता है, जी बिल्कुल आ सकता है, तो कॉस वाई माइनस का 3 इक्वल में है 2, आंसर तो डी वाई बाई डी एक्स ही चाहिए, देख लो, तो ये नीचे ले आओ, तो 2 अपॉन कॉस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये लीजिए आ गया हमारा फाइनल आंसर। चलिए थर्ड क्वेश्चन लिख दिया, उसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड था, तो ए एक्स, ए कॉन्स्टेंट है बाहर हो गया,
एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस बी एक कॉन्स्टेंट है बाहर हो गया, क्योंकि वो वाई स्क्वायर के साथ आया है, तो वाई स्क्वायर का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, लेकिन फॉर्मूला होता किसका है, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर का, कौन सा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। फॉर्मूला क्या होगा, देखो एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो कितना आ गया, टू एक्स आ गया, तो आप क्या लिखोगे, टू वाई। लेकिन एक प्रॉब्लम है, फॉर्मूला तो एक्स की पावर एन का है, एक्स की पावर एन, तो एक्स की जगह एक्स और एन की जगह एक न्यूमरल चाहिए, न्यूमरल तो एन की जगह ठीक लिखा है, एक्स गलत लिखा है, क्यों, वो तो वाई लिखा है, तो वाई का डेरिवेटिव मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, वैसे आप इसमें डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई फिर अगले स्टेप पे डी वाई देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब आपको अगर करना आता है तो स्टेप पर भी लिख सकते हो। अब कॉस वाई, दिक्कत वही है, कॉस वाई का फॉर्मूला ही नहीं होता, साइन वाई का होता है, तो देखो कॉस वाई का माइनस का साइन वाई, लेकिन वाई तो होना ही नहीं चाहिए, एक्स होना चाहिए, फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा गलत टर्म का, गलत टर्म क्या है वाई, और वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। ध्यान रखो ये सारा पार्ट 5.2 में चेन रूल सिखाया गया था उसी का है, ध्यान से देख लो, अगर आपको ये चीज फिर समझनी है तो 5.2 एक्सरसाइज में चेन रूल के सारे क्वेश्चन चेक करो, तब इस एक्सरसाइज पे आइएगा। अब फिर दो डी वाई बाई डी एक्स हो गए, एक काम करो इस माइनस वाले को इधर ले आते हैं और एक उधर ले जाते हैं, ठीक है, तो टू बी वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस का साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए उधर गया माइनस का ए, लो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, क्योंकि इम्प्लिसिट फंक्शंस में जो फाइनल आंसर होता है वो हमेशा डी वाई बाई डी एक्स ही होता है, इसका ध्यान रखना, टू बी वाई प्लस साइन वाई इज इक्वल टू ए, क्योंकि आंसर में सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, चलिए आओ, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन टू बी वाई और प्लस का साइन वाई, फिनिश हो गया आंसर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, शानदार क्वेश्चन है, देखो दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन दिखाई दे रहा है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, x की पावर है जिसमें x नहीं लिखा, चेन रूल लगेगा, tan x डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, और y dy by dx, y का डेरिवेटिव dy by dx ही होता है, तो चलो पहले चेन रूल लगाते हैं। अब लिखने का तरीका, पहले को छोड़ा दूसरे का डेरिवेटिव और y का डेरिवेटिव क्या होगा dy by dx प्लस दूसरे को छोड़ा और पहले का डेरिवेटिव 1, ये लीजिए इसका हो गया, प्लस अब y स्क्वायर का तो कोई डेरिवेटिव नहीं होता, एक्चुअल में x स्क्वायर का होता है x की पावर n के फॉर्मूले से, तो कर लेते हैं एन एक्स की पावर एन माइनस वन, लेकिन फॉर्मूले में x और n दो टर्म्स है, x की जगह x और n की जगह n चाहिए, x की जगह तो y लिखा है, n की जगह ठीक लिखा है न्यूमरल, तो जो गलत टर्म लिखा है उसी का डेरिवेटिव करते हैं, तो गलत क्या लिखा है y, और y का डेरिवेटिव क्या हो गया dy by dx, डायरेक्ट कर दिया मैंने इस बार, इज इक्वल टू tan x, tan x का फॉर्मूला sec स्क्वायर x, tan x लिखा होना चाहिए, मतलब tan की जगह tan और x की जगह x, बिल्कुल tan की जगह tan लिखा है, x की जगह x लिखा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं, प्लस वाई, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, अब फिर से वही नियम, सारे डी वाई डी एक्स एक तरफ होंगे, एक दो तीन डी वाई डी एक्स है, चलो ठीक है पहले इसको ओपन करते हैं, देखते हैं, तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स, उस डी वाई बाई डी एक्स को इधर लाइए जो कि माइनस साइन के साथ आएगा, इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स, अब आप देखो इसमें तो कोई डी वाई डी एक्स लगा नहीं हुआ, उधर लेके जाओ उसको, और देखो इसमें इसमें और इसमें तीनों में डी बाई डी एक्स है, तो कॉमन निकाल लो डी बाई डी एक्स इसका बाहर, तो कितना बचा देखो, यहां बचा एक्स, यहां बचा टू वाई और यहां बचा माइनस का वन, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, और वाई को उधर लेके जाओ माइनस का वाई, क्योंकि डी बाई डी एक्स निकालना है, इम्प्लिसिट फंक्शन कर रहे हैं ना, सिंगल आंसर आएगा सिंगल डी बाई डी एक्स, अगर एक से ज्यादा डी बाई डी एक्स हो सबको एक तरफ करके कॉमन ले लेते हैं, ठीक है नीचे लेके जाइए इसको, बस आपका फाइनल आंसर आने वाला है, तो सेक स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन x प्लस टू वाई और माइनस का वन, तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब सिंपल सा ही क्वेश्चन कह सकता हूँ, x की पावर n डायरेक्ट लग रहा है, देखो दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसमें फॉर्मूला तो x की पावर n का लगना है, लेकिन दिक्कत है देखो x की जगह y लिखा है, मतलब इसका आगे चेन रूल लगना है, 100 100 अकेला है कॉन्स्टेंट, अकेला इसलिए क्योंकि ना तो इसके साथ x है और ना ही इसके साथ y है, तो किसी टर्म के साथ अगर एक्स वाई नहीं है तो वो टर्म कांस्टेंट मान लिया जाएगा, कांस्टेंट अकेला लिखा है तो डायरेक्टली उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, अगर वो एक्स या वाई के साथ आया है तो वो टर्म बाहर हो जाएगा कांस्टेंट वाला, और एक्स या वाई जिसके साथ भी है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है, तो चलो पहले एक्स की पावर एन लगाते हैं, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये तो बड़े आसानी से आ गया, प्लस अब ये दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन है, चलो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, पहले को छोड़ा दूसरे का डेरिवेटिव और वाई का डेरिवेटिव क्या होता है डी वाई डी एक्स प्लस वाई को छोड़ा और x का डेरिवेटिव 1, ध्यान रखना x की पावर n का फॉर्मूला ही लगाया जाता है, ये x की पावर 1 x की पावर 2 कोई सा भी क्वेश्चन हो, ठीक है,
प्लस वाई स्क्वायर, अब वाई स्क्वायर का होगा तो टू वाई, कैसे टू वाई की पावर टू माइनस वन, लेकिन फॉर्मुला वाई स्क्वायर का होता ही नहीं है, वो तो एक्स स्क्वायर का होता है एक्स की पावर एन की वजह से, तो गलत क्या लिखा है वाई, तो डेरिवेटिव कर दो वाई का, वाई का डेरिवेटिव क्या होता है डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 100 है, कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव जीरो हो गया। चलिए टू एक्स प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई फिर प्लस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, नियम वही डी वाई डी एक्स एक तरफ करो और सारे नंबर एक तरफ करो, तो डी वाई बाई डी एक्स दो है कॉमन ले लो, कितना आएगा x प्लस का 2y और ये दोनों टर्म जाएंगे उस तरफ, माइनस का 2x माइनस का y, माइनस कॉमन ले लो तो बीच में प्लस आ जाएगा, अब dy by dx निकालना ये नीचे चला जाएगा, तो dy by dx is equal to minus of 2x plus y whole upon x plus का 2y, ये लीजिए इसका सॉल्यूशन भी आपके पास आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है, क्वेश्चन देखो ध्यान से, x की पावर n लग रहा है, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल लग तो x की पावर n रहा है लेकिन चेन रूल के हिसाब से यहाँ y का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, 81 कांस्टेंट है ना तो साथ में x है ना है y है, अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, ठीक है चलिए करते हैं, तो लगाओ x की पावर n, तो n x की पावर n माइनस वन प्लस लगाओ प्रोडक्ट रूल, तो पहले को छोड़ा दूसरे का डेरिवेटिव वो कैसे देखो y का डेरिवेटिव dy by dx प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का डेरिवेटिव, अब x की पावर n का डेरिवेटिव तो करना है n x की पावर n माइनस वन, इसको एक ब्रैकेट में रख लो, इसे याद रहे कि अलग से कर रहे हैं इसको, फिर से देखो यहाँ दो टर्म प्रोडक्ट में, तो पहले को छोड़ा अब दूसरे का डेरिवेटिव, तो ध्यान रखना अब ये वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, देखो टू वाई टू माइनस वन, अरे भाई एन एक्स की पावर एन माइनस वन, लेकिन फॉर्मूला वाई स्क्वायर का होता क्या है, वो तो एक्स स्क्वायर का होता है एक्स की पावर एन के फॉर्मूले से, तो गलत क्या लिखा है एक्स की पावर एन के फॉर्मूले के हिसाब से, एक्स की जगह एक्स और एन की जगह एक न्यूमरल चाहिए, तो एन की जगह न्यूमरल तो सही लिखा है, x की जगह तो y लिखा है और y का डेरिवेटिव dy by dx चेन रूल बोलते हैं, प्लस दूसरे को छोड़ा और पहले का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या होता है वन ही होता है, प्लस फिर देखो y की पावर 3, जैसे यहां y की पावर 2 का डेरिवेटिव किया है हमने ऐसे ही y की पावर 3 का करना है, वो कैसे 3y की पावर 3 माइनस 1, y की पावर 3 का तो फॉर्मूला ही नहीं होता, फॉर्मूला तो x की पावर 3 का होता है, तो गलत क्या लिखा है y वाला टर्म, फिर क्या आएगा y का डेरिवेटिव जो कि क्या होता है dy by dx is equal to 81 constant है, अकेला लिखा है derivative zero हो गया। एक चीज को हमेशा ध्यान रखो कि जो formulas होते हैं वो सारे x की power में हैं, y की power में कोई formula नहीं है, तो chain rule के हिसाब से x की power n लगाते समय x की जगह x और n की जगह numerator होना चाहिए, तो n में तो देखो हर जगह numerator ही दिख रहा है आपको, लेकिन x की जगह y लिखा है, गलत लिखा हुआ है, लिखा तो x होना चाहिए था, तो y का derivative हो गया, और y का derivative क्या होता है dy by dx, अब तो सारा properly लिख लेते हैं एक बार, तो 3x square प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये हो गया आपका 2x आएगा, तो 2xy फिर प्लस देखो यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 2xy डी वाई बाई डी एक्स आएगा साथ में, फिर प्लस y स्क्वायर फिर प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, चेक करो एक दो और तीन टर्म है डी वाई डी एक्स वाले, चलो कॉमन निकालो और सब उस तरफ भी डाल देंगे, जो बचे हुए टर्म होंगे तो डी बाई डी एक्स कितना आगे कॉमन में बाहर जब आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स वाई प्लस का थ्री वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक दो और तीन, ये तीनों टर्म जाएंगे आरएचएस में, तो माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स वाई और माइनस का वाई स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लो तो क्या होगा अंदर प्लस हो जाएगा, अगला स्टेप डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये वाला टर्म तो एज इट इज आएगा माइनस का बाहर लगाकर थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 2xy plus y square whole upon ये नीचे आ गया x square plus 2xy plus 3y square ये हमारा फाइनल आंसर, थोड़ा ध्यान से करना स्टेप बाय स्टेप करना आंसर 100% आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है, शानदार क्वेश्चन है, देखो sin square y मैंने क्या बोला था कि जब डेरिवेटिव करते हैं तो सबसे पहले पावर डेरिवेटिव करते हैं, अब sin square y को लिख कैसे सकते हैं sin y का होल स्क्वायर, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अगर नहीं याद रहा कि साइन स्क्वायर वाई को साइन वाई की होल स्क्वायर लिखना है तो याद रखिएगा क्वेश्चन आपको गलत ही हो जाएगा, ऐसा ही नहीं हो सकता, आपको याद रखना ही पड़ेगा कि पावर को सबसे पहले डेरिवेटिव किया जाता है जो होल की पावर होती है और उसको ऐसे ही पहले लिखना पड़ता है, ठीक है प्लस अभी तो क्वेश्चन को अभी कर रहा हूं कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई, अब इस पाई को एक बार देख लो, पाई के साथ ना तो एक्स लिखा है ना तो वाई, तो पाई एक कॉन्स्टेंट है जिसका डेरिवेटिव क्या होगा जीरो, कुछ सोचने का जरूरत नहीं है,
बस ध्यान रखो जिस टर्म के साथ एक्स या वाई आ रहा हो वो कॉन्स्टेंट ही माना जाएगा और बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, पावर तीन तरह सीखिए, एक्स की पावर एन, ए की पावर एक्स और ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स के लिए बेस में ई का होना जरूरी है, सॉरी ए की पावर एक्स तो नहीं है क्योंकि देखो यहाँ ई नहीं है। ए की पावर एक्स का फॉर्म लगाने के लिए बेस में कॉन्स्टेंट का होना जरूरी है, बेस में तो साइन वाई है ऑब्वियसली, ए की पावर एक्स भी नहीं है। और एक्स की पावर एन लगाने के लिए पावर में एक न्यूमरल चाहिए, तो देखो पावर में न्यूमरल तो है तो ठीक है एक्स की पावर एन लगाते हैं, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक। लेकिन फॉर्मूला आपने क्या बोला है, एक्स की पावर एन, एन तो ठीक लिखा है न्यूमरल, एक्स गलत है तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ यू भी गलत लिखा हुआ है, साइन वाई अगले स्टेप पे करेंगे, प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स। लेकिन यहां फिर प्रॉब्लम, आप बोल रहे हो कॉस एक्स, तो कॉस तो ठीक लिखा है, एक्स का लिखा है ये तो एक्स वाई लिखा है, तो फिर से करना पड़ेगा डेरिवेटिव, जो चीज गलत लिखी है वो डेरिवेटिव करनी पड़ेगी या वो आपको 10 बार करनी पड़ेगी ऐसे, ठीक है। इज इक्वल टू जीरो, वो तो मैंने बता ही दिया, पाई ना तो एक्स लिखा है ना वाई लिखा है साथ में, तो ये कॉन्स्टेंट हो गया और अकेले कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। अगला स्टेप देखिए, तो टू साइन वाई की पावर, वैसे वन आएगा लिखने का जरूरत है नहीं यहाँ पर, लेकिन फिर भी लिख दिया मैंने। अब साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई, लेकिन दिक्कत भाई साइन वाई का तो डेरिवेटिव ही नहीं होता, साइन एक्स का होता है, मतलब फिर वो वाई वाला टर्म गलत लिखा हुआ है, वाई का डेरिवेटिव कितना होगा डी वाई बाई डी एक्स, प्लस माइनस माइनस क्या बचा साइन एक्स वाई, अब डेरिवेटिव हो रहा है एक्स वाई का, अब एक्स इंटू वाई दो टर्म्स का प्रोडक्ट है, क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगाओ तो पहले को छोड़ा दूसरे का डेरिवेटिव कितना है वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स ही होता, प्लस दूसरे को छोड़ा और पहले का डेरिवेटिव वन इज इक्वल टू जीरो। अब ये टर्म देखो अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा, ध्यान से करना, तो टू साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस का, अब पहले वाला अंदर इंटू होगा तो आएगा एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, अब ये अंदर इंटू इससे होगा प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो वाई साइन एक्स वाई और इज इक्वल टू जीरो। अब देखो अब फॉर्मूला लग रहा है टू साइन वाई कॉस वाई, किसका फॉर्मूला है देखो मैं बताता हूं आपको, साइन टू ए का एक फॉर्मूला होता है क्या टू साइन ए कॉस ए, तो सोचो ये किस तरह से लिखा है हमारे पास टू साइन वाई कॉस वाई, मतलब टू साइन वाई और कॉस वाई, तो क्या लिख दूंगा रखना यहां पर साइन टू वाई, बस यहां लिख देता हूं मैं साइन टू वाई, साइन टू वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस का एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस का वाई साइन एक्स वाई और इज इक्वल टू जीरो। दो डी वाई डी एक्स है, फिर से कॉमन निकालना पड़ेगा, तो चलिए इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स कितना बचेगा, ये बचेगा साइन टू वाई माइनस का एक्स साइन एक्स वाई और ये गया उस तरफ इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई, ठीक है। डी वाई एक्स निकालनी है, ये नीचे आ जाएगा इसके, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई होल अपॉन साइन टू वाई माइनस का एक्स साइन एक्स वाई, ये रहा हमारा फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दिया है मैंने, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वन, तो अभी देखा था हमने कि जो पावर होता है वो होल पे होना चाहिए, तो चलो पहले पावर को प्रॉपरली होल पे लिख देते हैं। ऐसे देखो यहां पर ही पावर पहले होल पे ही लिखनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव होता है, उसी के बाद पता चलेगा कि रेशियोज की फॉर्म में क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले एस की पावर एन लगाते हैं, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, अब फॉर्मूला आप एक्स की पावर एन बोल रहे हो, एक्स में तो लिखा है साइन एक्स, तो क्या करेंगे जो गलत टर्म लिखा है उसको फिर से डेरिवेटिव करेंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, चाहो तो डायरेक्ट भी डेरिवेटिव करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस ऐसे यहां पर देखो फिर एक्स की पावर एन लगाओ, तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन डी वाई डी एक्स, किसका जो गलत लिखा हुआ है कॉस वाई, क्योंकि आप तो फॉर्मूला एक्स की पावर एन का लगा रहे हो, एन में तो न्यूमरल लिखा है, एक्स में तो एक्स लिखा ही नहीं कॉस वाई लिखा है, तो मैंने कॉस वाई का फिर से कर दिया इज इक्वल टू वन। अब वन एक कॉन्स्टेंट है, ना तो उसके साथ एक्स लिखा है ना वाई लिखा है, और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव अकेला क्या होता है जीरो ही होता है, तो चलिए तो कितना बचा टू साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, सिंपल। यहां देखो टू कॉस वाई, अब कॉस वाई का डेरिवेटिव ये होगा माइनस का साइन वाई, अब फॉर्मूला कॉस वाई का होता ही नहीं है, फॉर्मूला तो कॉस एक्स का होता है,
इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स लिख दिया आपने, लेकिन दिक्कत देखो एक्स का लिखा है, यहाँ तो वाई लिखा है हमने, तो मतलब फॉर्मूला तो एक्स का होता है, लिखा वाई है, तो वाई गलत लिखा हुआ है, वाई का डेरिवेटिव, तो जो गलत लिखा होता है उसी का डेरिवेटिव करते हैं, तो वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, जीरो का जीरो लिखा रहने दिया। बस अब क्या देखो, टू साइन एक्स कॉस एक्स, पीछे वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, टू साइन एक्स जिसको ए लिख देता हूं मैं, तो टू साइन ए कॉस ए, तो फॉर्मूला क्या हो गया साइन टू ए, उस हिसाब से यहाँ फॉर्मूला क्या हो गया साइन टू एक्स, माइनस और प्लस माइनस आएगा, तो टू साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। देखो यही आइडेंटिटी जो जहां लगाई है वो यहां पर भी लग रही है, तो देखो ये क्या लिखा मैंने साइन टू एक्स माइनस का साइन टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसको उधर ले जाते हैं, तो साइन टू एक्स इज इक्वल टू साइन टू वाई डी वाई बाई डी एक्स। अगला स्टेप ये नीचे आएगा, तो साइन टू एक्स अपॉन साइन टू वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि इम्प्लिसिट फंक्शन में डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ही निकालनी होती है। आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे लिख दिया है, देखो अगर क्वेश्चन को देखें तो ये मुश्किल से चार स्टेप में हो जाएगा, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को इसकी ट्रिक से ना करके फॉर्मूले से करें तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको वो ट्रिक सिखा रहा हूं जिससे आपका टाइम बचे। बस उसके लिए करना क्या है, आपको दो तीन फॉर्मूले याद रखने, वो फॉर्मूले ऐसा नहीं कि इन्हीं क्वेश्चनों में यूज होंगे, बहुत सारे आगे क्वेश्चनों में यूज होने होने हैं, मतलब वो फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए, लेकिन उससे ये क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा। देखो मैं करके बताता हूं, एक फॉर्मूला है साइन टू थीटा का, वो क्या फॉर्मूला है टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो इस फॉर्मूले को यहां मैं अप्लाई कैसे करने वाला हूं, सोच के देखो, इस ब्रैकेट की बात करते हैं, अगर इस ब्रैकेट में मैं टेन थीटा को पुट कर दूं तो ध्यान से देखना फॉर्मूला क्या बन गया, टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जब देखना फॉर्मूले के हिसाब से ये तो एग्जैक्टली क्या बन जाएगा साइन टू थीटा। तो चलो यही ट्रिक अप्लाई करते हैं, लेट ध्यान से देखिएगा, एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, सीखने में थोड़ा समय जरूर लगता है लेकिन एक बार ये परफेक्ट ट्रिक आ जाएगा तो वही क्वेश्चन जो एक से डेढ़ पेज में होना है हार्डली चार से पांच स्टेप में हो जाएगा। ठीक है चलो देखो, ये y इज इक्वल टू कितना आएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में डब्ल्यू एक्स थीटा टेन थीटा, तो टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला में पता ही है कितना साइन टू थीटा, तो साइन इनवर्स और ब्रैकेट में क्या आ गया साइन टू थीटा। अब ये साइन इनवर्स से साइन चला गया, कैंसिल आउट तो भी मत करके दिखाना, बस अगले स्टेप पे लिखना नहीं है आपको, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया टू थीटा। लेकिन देखो क्वेश्चन थीटा के फॉर्म में नहीं है, x की फॉर्म में है, लेकिन ये जो थीटा है वो तो क्वेश्चन को आसान बनाने का एक पार्ट था। वापस क्या करो, इस थीटा को x में कन्वर्ट करो, तो देखो यहां से करोगे, अगर x बराबर tan थीटा है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखो जरा ध्यान से, अगर x tan थीटा है तो tan थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको, तो tan आएगा नीचे और ऊपर जाके हो जाएगा tan इनवर्स, लेकिन ध्यान रखना डायरेक्टली लिखना होता है, tan को नीचे जाने का जरूरत नहीं है। तो देखो क्या हो गया y इज इक्वल टू टू और थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स एक्स। अब देखो टू एक कांस्टेंट है लेकिन किसी के साथ आया है, बाहर कर दो डेरिवेटिव करते समय, और जिसके साथ आया है उसके डेरिवेटिव का डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, टेन इनवर्स एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो एक दो तीन चार पांचवा स्टेप तो अपना आंसर ही था, मतलब पांचवा स्टेप तो आंसर ही आ गया, और इसे अगर आप फॉर्मूले बेस करने लगे, मतलब बिल्कुल साइन इनवर्स के फॉर्मूले से चेन रूल लगाकर, तो एक पेज से कम तो आपका ये क्वेश्चन नहीं होगा सॉल्व। ठीक है तो ट्रिक थोड़ा सा ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसमें भी यहाँ ब्रैकेट में देखो एक आइडेंटिटी लग रही है, बताता हूं कैसे। टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है थ्री टेन थीटा माइनस का टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। और एक चीज देखो, अगर मैं यहां एक्स में टेन थीटा पुट कर दूं तो देखो ये ब्रैकेट बिल्कुल आइडेंटिटी को मैच हो जाएगा, कैसे देखो थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सेम। तो लिखो फिर से क्या लिखेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, तो क्या हो गया देखो वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर थ्री टेन थीटा माइनस का टेन क्यूब थीटा होल अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये बिल्कुल एग्जैक्टली फॉर्मूला है, जो किसका फॉर्मूला है टेन थ्री थीटा का, देखिए tan इनवर्स बाहर और कितना आ गया tan 3 थीटा, फिर वही tan इनवर्स से tan चला गया, लेकिन आपको कैंसिल आउट करना नहीं है, बस अगले स्टेप पे tan इनवर्स और tan आएगा नहीं, 3 थीटा लिखा जाएगा, फिर वही थीटा को चेंज करो x की फॉर्म में, तो यहां से थीटा क्या आएगा
tan इनवर्स x पीछे वाले क्वेश्चन में करके दिखाया था मैंने, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, अब डेरिवेटिव करेंगे, 3 एक कांस्टेंट है लेकिन किसी के साथ आया है बाहर कर दीजिए, और जिसके साथ आया उसका डेरिवेटिव कर दीजिए, और tan इनवर्स x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव का कितना 1/1 + x2, फॉर्मूला देखो साइड में आ भी रहा है आपके लिए, ठीक है फिनिश हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है, बिल्कुल उसी लॉजिक पर बेस्ड क्वेश्चन है जो हमने पीछे किए अभी दो, अभी ब्रैकेट पक्का किसी फॉर्मूले को बना रहा होगा, तो cos 2 थीटा होता है 1 - tan² θ / 1 + tan² θ। अब देखो अगर x में tan थीटा पुट कर दिया जाए तो फॉर्मूला बिल्कुल एग्जैक्टली मैच हो जाएगा, तो देखिए लिखा मैंने लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो y इज इक्वल टू कितना आया cos इनवर्स 1 - tan² θ / 1 + tan² θ, इसका फॉर्मूला बन गया cos 2 थीटा का, चलिए आप भी लिख दीजिए cos 2 थीटा, cos से cos इनवर्स चला गया, क्या बचा 2 थीटा, अब इस थीटा की वैल्यू वापस x की टर्म्स में ही आएगी, वो कैसे, तो 2 इंटू कितना आएगा tan इनवर्स x, फिर से वही डेरिवेटिव करना है, 2 कांस्टेंट है किसी के साथ आया बाहर कर दिया, और जिसके साथ आया उसको डेरिवेटिव करना है, अब tan इनवर्स x का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है क्या 1/1 + x2, हो गया हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन लिख दिया है मैंने बोर्ड पर, तो देखो फॉर्मूला तो बन रहा है, पिछले क्वेश्चन में किया था cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - tan² θ / 1 + tan² θ, ठीक है सिर्फ इसको देख रहे हैं ब्रैकेट को, इसको नहीं देख रहे अभी, तो लेट x इज इक्वल टू क्या पुट कर दें tan थीटा पुट कर देते, तो y इज इक्वल टू sin इनवर्स 1 - tan² θ / 1 + tan² θ, कितना आ गया फॉर्मूले वाइज cos 2 थीटा। अब ये तो एक दिक्कत हो गई, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए अगर यहाँ cos बन रहा है तो बाहर cos इनवर्स लिखा है, अंदर sin बन रहा है तो sin इनवर्स लिखा है बाहर, tan बन रहा है तो tan इनवर्स लिखा है, अब ये तो कैंसिल आउट ही नहीं होगा, एक sin इनवर्स है और एक cos है, तो एक ट्रिक है कैसे इस cos को sin बना ले, ये क्लास 11th में हमने ट्रिक सीखा था। अब cos 2 थीटा को sin के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, अगर लिखा हुआ है मान लीजिए cos थीटा और मैं चाहता हूं उसे साइन के फॉर्म में लिखना, तो कैसे लिखूंगा साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, मतलब इस एंगल को अगर 90 में से माइनस कर दिया जाए तो देखो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा ही होता है, तो देखो ऐसे यहां करूंगा साइन लिखकर अंदर पाई बाय 2 में से इस एंगल को माइनस कर दूंगा, तो चेक कर लो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, 10th क्लास और 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है अब साइन वर्सेस साइन चला गया, y कितना बचा पाई बाय 2 माइनस का 2 थीटा, थीटा को वापस चेंज करो x के टर्म्स में, तो y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2, और थीटा का वैल्यू क्या हो गया tan इनवर्स x, अब डेरिवेटिव करेंगे तो पाई बाय 2 तो एक कांस्टेंट है और अकेला लिखा है, डेरिवेटिव कितना हो गया 0, माइनस 2 भी एक कांस्टेंट है लेकिन वो tan इनवर्स x के साथ आया तो वो 2 तो बाहर हो गया, और जिसके साथ आया उसका डेरिवेटिव करना है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव डायरेक्ट होता है हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है 1/1 + x², फाइनल आंसर आ गया -2/1 + x², शानदार क्वेश्चन था, ये ट्रिक याद रखना था कि कैसे आप साइन को कॉस में या टेन को कॉट में या सेक को कोसेक में चेंज करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, कॉस को साइन में चाहिए था साइन लिख दो और 90 में से वो एंगल माइनस कर दो अपने आप, आंसर अपने आप आ जाएगा। क्वेश्चन लिख दिया है बोर्ड पर, बिल्कुल उसी जैसे ही क्वेश्चन है, देखो ये क्या बन रहा है ब्रैकेट हमारा, पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan θ अपॉन 1 + tan² θ, तो देखो फॉर्मूला तो उसी तरह का बन रहा है, तो देखो x इज इक्वल टू tan थीटा पुट करते हैं, y इज इक्वल टू cos इनवर्स क्या लिखूंगा 2 tan θ / 1 + tan² θ, फॉर्मूला किसका बना, ये तो बना sin 2 थीटा का, देखो जरा y इज इक्वल टू cos इनवर्स sin 2 थीटा, अब दिक्कत भाई cos इनवर्स से sin कैसे जाएगा, नहीं जा सकता, तो क्या करो इस साइन को कॉस के टर्म में चेंज कर लो, जैसे पीछे लॉजिक यूज किया था, कैसे y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, अब साइन को कॉस कैसे बनाए, कॉस लिखकर पाई बाय 2 में से इसका एंगल माइनस कर दो, ठीक अब कॉस से कॉस इनवर्स चला गया y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, फिर वही थीटा की वैल्यू x के टर्म्स में आ जाएगी, y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, थीटा कितना आएगा फिर से वही tan इनवर्स x, बस अब डेरिवेटिव करना है, तो y का डेरिवेटिव कितना होगा d / dx, इसकी बात कर रहा हूँ पाई बाय 2 कांस्टेंट है अकेला लिखा डेरिवेटिव 0 माइनस 2 फिर कांस्टेंट है लेकिन tan इनवर्स x के साथ आया तो ये तो बाहर हो जाएगा और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव
वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। आगे फाइनल आंसर। चलिए 14 क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया। इस तरह का शानदार क्वेश्चन है ये, इस तरह के शानदार क्वेश्चन है जिसमें फॉर्मूला बनेगा ही बनेगा, कोई ट्रिक लग जाएगी और चार पांच स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि रूट के अंदर माइनस है ना, तो एक्स की जगह या तो साइन थीटा पुट कर लो या तो कॉस थीटा। देखो इसका फायदा आपको अभी दिखाई देगा। तो मैंने क्या किया, पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, चाहो तो कॉस भी डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है तभी होगा जब रूट के अंदर माइनस होगा। अगर मान लो रूट के अंदर प्लस होता तो टेन थीटा या फिर कॉट थीटा ही पुट करते, ठीक है। चलो देखो, तो वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू साइन थीटा, एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा डालिए ना, अंडर रूट के अंदर वन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब व्हाट इज वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट लग रहा है तो अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या बचा, रूट भी गया कॉस का स्क्वायर भी गया, तो कॉस थीटा रह गया। कितना आ गया देखो अंदर, तो साइन इनवर्स टू साइन थीटा और अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। अगला स्टेप सही लिख देता हूं, वो कैसे, साइन इनवर्स टू साइन थीटा और ये कितना बचा कॉस थीटा। नाउ व्हाट इज टू साइन थीटा कॉस थीटा, अभी किया था दो तीन क्वेश्चनों पहले भी, टू साइन थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा। फिर से बता देता हूं, टू साइन ए कॉस ए, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, साइन टू ए। तो ये बस यहाँ ए लिखा है जहां थीटा लिखा हुआ है, तो क्या लिख दूंगा देखो यहाँ पर, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन टू थीटा, साइन इनवर्स साइन फिर चला गया, तो वाई इज इक्वल टू टू थीटा। थीटा की वैल्यू अब एक्स के टर्म में इंसर्ट करनी है, तो कितना आएगा, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। पहले भी तो हमने करना सिखाया आपको कि भाई ये साइन नीचे आ जाए फिर ऊपर चला जाए, तो साइन इनवर्स एक्स आएगा। प्लीज साइन नीचे लेके मत दिखाना, ये कोई तरीका नहीं होता नीचे लाने का, डायरेक्टली लिखना पड़ता है, ठीक है। तो वाई इज इक्वल टू टू इंटू साइन इनवर्स एक्स, और सब डेरिवेटिव कर दो। टू तो एक कॉन्स्टेंट है लेकिन किसी के साथ आया है उसको तो बाहर कर दो, जिसके साथ आया उसका डेरिवेटिव कर दो। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो कितना, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस का एक्स स्क्वायर। फॉर्मुलेस तो याद करने पड़ेंगे, ये मैंने आपको शुरू में बोला था, ठीक है। क्वेश्चन फिनिश हो गया। चलिए एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन लिख दिया है, सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है तो छोटा सा ही लेकिन ट्रिक है। अब वो क्या पुट करें कि ये सॉल्व हो जाए, अब क्या पुट करें एक्स की जगह कि डायरेक्ट कोई फॉर्मूला बन जाए। तो देखिए इसके थोड़ा बेस पे आता हूं मैं आपके लिए, क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन क्वेश्चन बहुत छोटा सा है अगर बेस पता है तो, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है कॉस टू थीटा का, वो क्या होता है, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या ट्रिक लगा रहा हूं, मैं साइन स्क्वायर को खोल के दिखा रहा हूं आपको, इसका फायदा आपको तो अभी थोड़ी देर में दिखाई दे जाएगा। व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए माइनस ओपन कीजिए, ब्रैकेट के बाहर लग रहा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखने कैसा लिखा हुआ है, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और किसकी वैल्यू है ये, कॉस थीटा की वैल्यू है। जरा पुट करके देखो, एक्स की जगह कॉस थीटा, पुट एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो देखना क्या बना, सेक इनवर्स ब्रैकेट में वन अपॉन टू अब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन डायरेक्टली क्या लिख दूं, कॉस टू थीटा। चलो वही लिखते हैं अगले स्टेप पर, वन अपॉन कॉस टू थीटा। अब वन अपॉन कॉस टू थीटा, तो कॉस किसका रिवर्स होता है, सेक का। तो अगला स्टेप क्या आ गया देखो, सेक इनवर्स सेक टू थीटा, ये सेक है ये सेक इनवर्स है, ये लीजिए कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया टू थीटा। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था जो यहां मैंने यूज किया। अब क्वेश्चन अराइज होता है, सर आपने तो क्वेश्चन किए होंगे हमें कैसे याद रहेगा, तो भाई सिर्फ प्रैक्टिस से याद रह सकता है, कोई और तरीका तो मेरे पास भी नहीं है। जैसे जैसे आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहोगे ये छोटे छोटे कंसेप्ट आपको अपने आप याद हो जाएंगे। पर एक चीज का ध्यान रखो, अभी तो ये शुरुआती एक्सरसाइज है, आगे बहुत बड़े क्वेश्चन आएंगे, एप्लीकेशन आएगा, एक एक क्वेश्चन चार चार पांच पांच पेज में सॉल्व होगा, तब ये क्वेश्चन तो आपको ऐसे रटे हुए होंगे, क्योंकि ये वहां ये सारे क्वेश्चनों का ट्रिक यूज होना है। तो डरो मत, अभी डरने का काम आगे आने वाला है, ठीक है। तो थीटा कितना लिखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स, तो वाई इज इक्वल टू टू कॉस इनवर्स एक्स, बस अब डेरिवेटिव कर दो, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू, कॉन्स्टेंट है किसी के साथ आया इसलिए बाहर कर दिया, और कॉस इनवर्स एक्स का डायरेक्ट डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस का एक्स स्क्वायर। फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, बस अब ये माइनस को बाहर करके सही से रीअरेंज करके लिख दो, फिनिश हो गए हमारी पूरी एक्सरसाइज। ढंग से इसको प्रैक्टिस करें, एक एक कंसेप्ट सीखें, कोई भी क्वेश्चन यहां से आएगा दो से तीन नंबर का ही होगा, चार नंबर का वेटेज का तो कोई भी क्वेश्चन आज हमने नहीं किया, इस एक्सरसाइज में था ही नहीं, लेकिन दो और तीन नंबर के काफी वेटेज के बढ़िया क्वेश्चन थे, बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है।